योगी सरकार में गुंडों की जगह है जेल में होती है, वहीं आगरा में एक हिस्ट्री सीटर की खुलेआम गुंडई चल रही है। थाना एतमादौला में 33 मुकदमे दर्ज होने के बावजूद हिस्ट्री सीटर देसराज ने एक परिवार का जीना मुश्किल किया हुआ है। एतमादौला क्षेत्र के दुर्गानगर के रहने वाले कुशवाहा समाज के गणेश कुशवाहा अपने भाई देवू के साथ रहता है। गणेश कुशवाहा अपने परिवार का गुजारा घर पर ही परचून की दुकान चलाकर करता है। गणेश ने बताया कि उसकी जमीन पर हिस्ट्री सीटर अवैध कब्जा करना चाहता है। विरोध करने पर बदमाश आए दिन अपने बेटों के साथ पीड़ित को उसके घर धमकाने पहुंच जाता है, गंदी गालियां तक देता है। जानकारी लगी तो पता चला कि हिस्ट्री सीटर के दो बेटों पर भी कई गंभीर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, उसके बावजूद इनको पुलिस का कोई खौफ नहीं रहता। पीड़ित इस कदर खौफ में आ गया है कि वह परिवार सहित घर से पलायन करने को मजबूर हो गया है। क्या नाम है आपका? मेरा गणेश कुमार नाम है। बताइए क्या पूरा मामला है? पूरा मामला जमीन से संबंधित है सर। देशराज हमको परेशान कर रहा है। कौन है देशराज? इसकी सीटर है। अच्छा बोलो। इसकी सीटर है वो। दूसरा हम पे मुकदमा लगा दिया फर्जी, और मंदिर की जो जमीन है उस पर भी कब्जा कर लिया है, मार्केट बना रखी है। आए दिन रास्ते में मैं परेशान करता है, उसका लड़का भी परेशान करता है, चनामी लाए ये दोनों लड़के। आप घर छोड़ के पलायन करने को मजबूर क्यों हो रहे हैं? मजबूर क्यों हो रहे हैं साहब? परेशानी झेल झेल के पुलिस में भी चक्कर लगाए हमने, मेरे कोई कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इससे मुकदमे से भयभीत है हम। पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? पुलिस का क्या कहना है, अभी हम शिकायत लेके जाते हैं थाने से भगा दिया जाता है। अच्छा देख रहे हैं जी, कागज लाते हैं, कोई सुनवाई नहीं। ठीक। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।